अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आज मज़ेदार सी रेसिपी है फिंगर बर्गर, बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जैसे हम बाहर खाते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 4 पीसेस लिए हैं चिकन के, 2 थाई के पीसेस और 2 चिकन चेस्ट पीस। थाई का पीस चिकन में सबसे ज़्यादा नरम और मज़ेदार गोश्त होता है, तो इसलिए मैंने 2 पीस थाई के लिए हैं और इनको मैं फोक की मदद से कट कर लगा रही हूँ। और इसी तरह मैंने ये चेस्ट पीस पे भी निशान लगाया है, इससे क्या होगा कि जो हम मसाला लगाएंगे वो चिकन के अंदर तक चला जाएगा। अब हम एक बाउल में सब पीसेस शामिल करेंगे, साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर सिरका शामिल करेंगे, 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को चिकन के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम इस वक्त इसलिए लगा रहे हैं ताकि चिकन में नमक जो है वो अच्छी तरीके से अंदर तक शामिल हो जाए और सिरके से चिकन जो है वो मॉइस्ट रहेगी और बहुत जूसी और नरम बनेगी। इन दोनों चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 1 कप के बराबर पानी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके चिकन को इस मिक्सचर में तकरीबन 1 से 2 घंटे तक के लिए कवर करके रख देंगे। इस सिरका और नमक चिकन में अच्छे से शामिल हो जाएं। फिर 2 घंटे के बाद हम चिकन को स्टेन कर लेंगे और धोएंगे नहीं। देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा चिकन रेडी हो जाएगा। इसकी मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बाउल में हम सबसे पहले रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी हुई काली मिर्चें। काली मिर्चें हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग सा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें, साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर लहसुन पाउडर शामिल कर देंगे, नमक शामिल करेंगे हसबे ज़ायका और 1/2 टीस्पून के बराबर पेपरिका पाउडर इस्तेमाल और 1 टेबल स्पून के बराबर मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट जो है वो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है, इसका टेस्ट इन्हेंस कर देगा आपके बर्गर के टेस्ट को, तो इसको ज़रूर शामिल करें। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल करेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर सिरका शामिल कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम चिकन के पीस एक एक करके इस मिक्सचर में मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से तमाम मसाला चिकन के पीसेस पे लगा लेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाए। रेसिपी में मस्टर्ड पेस्ट जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है, तो आप मस्टर्ड पेस्ट ज़रूर शामिल कीजिएगा। इससे बर्गर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि मस्टर्ड पेस्ट का टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। 4 पीसेस के लिए 1 टेबल स्पून इनफ है, लेकिन इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। हम इसको तकरीबन 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। इतने में हम अपना सॉस तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून के बराबर हमें इसमें मेयोनीज चाहिए, 1 टेबल स्पून के बराबर सादा केचप, 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप और 1/2 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर और पिंच जो है हमें चाहिए होगी कुटी हुई लाल मिर्च। बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट और मिक्स हर्ब चाहिए 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून के बराबर पेपरिका पाउडर और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1/2 टीस्पून के बराबर हमें चाहिए रेड हॉट सॉस और बिल्कुल थोड़ी सी चीनी, इन सब यानी पिंच के बराबर चीनी। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स करके, तो ये हमारा KFC स्टाइल सॉस तैयार हो जाएगा। अब हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें तकरीबन 2 कप मैदा, उसमें 1/2 कप के बराबर कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून के बराबर हमें नमक चाहिए होगा, 1 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून के बराबर लहसुन पाउडर। इन सब ड्राई चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे हम, बहुत अच्छी तरीके से कि सब चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप किसी भी चीज़ से अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इस मिक्सचर में
अब चिकन का एक पीस रखेंगे, उसको बहुत अच्छे से दबा दबा के जो है ना ये मैदा लगाएंगे, जो मैदे का मिक्सचर बनाए हम इसको खूब कोटिंग करेंगे इसकी, खूब जैसे झाड़ के फिर दोबारा इसमें डाल के खूब अच्छे से मल मल के इसमें ये कोटिंग करेंगे। और अब एक दूसरे बाउल में हम ठंडा पानी ले लेंगे, अभी कोटिंग को एक्स्ट्रा सारा मैदा झाड़ देंगे और इस चिकन के पीस को एक सेकंड के लिए पानी में रखेंगे, फौरन निकाल लेंगे, पानी झाड़ेंगे और फिर दोबारा इस मैदे के मिक्सचर में इसको रखेंगे और इसको खूब जो है मैदा लगाएंगे। अच्छी तरीके से मैदा लगाना है इस तरह से करके दबा के, ताकि मैदे जो है लेयर्स बने अच्छी तरीके से। खूब इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से लगाएं, ये देखें किस तरह से ये पूरा मैदा जो है इसके ऊपर लग गया है, और इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाना है। इसी तरह हम दूसरे पीस पे भी लगा लेंगे, सब पीस पे हम इसी तरह लगा लेंगे। सबसे पहले मैदे की कोटिंग करेंगे बहुत अच्छी, उसके बाद इस चिकन के पीस को पानी में डिप करेंगे एक सेकंड के लिए, फिर उसमें से पानी से निकाल के पानी झाड़ के हम दोबारा से मैदे में डिप करेंगे, उसको खूब अच्छे से मैदे की कोटिंग करेंगे और फिर एक्स्ट्रा मैदा झाड़ देंगे। और फिर ऑयल को हम पहले से हल्का गरम कर लेंगे, बहुत तेज़ गरम ना हो, बहुत हल्का गरम ना हो, नॉर्मल गरम हो। उसमें हम चिकन का पीस रखेंगे, ऑयल मीडियम गरम होना चाहिए ताकि जैसे ही हम चिकन के पीस डालें तो वो कोटिंग जो है वो उतरे नहीं, कोटिंग जो है जो हमने मैदे की कोटिंग की है वो चिकन के ऊपर सेट हो जाए। ज़्यादा ठंडा होगा तो भी निकल जाएगी, ज़्यादा गर्म होगा तो फौरन से कोटिंग जल जाएगी। और फिर इसके बाद हम इसको आंच को हल्का कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे चिकन को एक साइड से पकाएंगे और उसके बाद टर्न करके दूसरी साइड से पकाएंगे और इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा होने पे निकाल लेंगे। इस तरह चिकन अंदर तक पक जाएगा और कोटिंग भी बिल्कुल ठीक, देखिए कोटिंग पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी सा कलर आ जाएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सा जब बनेगा, आप ये देखें कितना क्रिस्पी है और क्रंची देखने में ही लग रहा है। 15 मिनट तक बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको पकाना है, जितना अच्छा फ्राई होगा कलर उतना ही अच्छा आएगा और जो कोटिंग है वो उतनी ही क्रिस्पी बनेगी और क्रंची। ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना है इसमें, नहीं तो कोटिंग टूट जाएगी और जो है इसलिए आप इसको आराम से, आप जब ये दोनों साइड से बिल्कुल रेडी हो जाए तब आराम आराम से दोनों को निकाल लेंगे। ये देखें कितना क्रिस्पी और क्रंची है और कलर भी कितना अच्छा है, बिल्कुल गोल्डन। चिकन भी बिल्कुल अंदर से पक जाएगा इस तरह और जो कोटिंग है जो हमने मैदे की लगाई वो भी बिल्कुल क्रिस्पी है। हम बर्गर की सैम्पलिंग करेंगे तो सबसे पहले बन ले लीजिए और उसके ऊपर मेयोनीज़ लगाइए 1 टेबल स्पून के बराबर, अच्छी तरह से पूरी तरह से स्प्रेड कर दीजिए बर्गर के ऊपर। अब इसके ऊपर आप चिकन का ये पीस रखें, देखें कितना क्रंची और टेस्टी लग रहा है। और इसके ऊपर आप सॉस डालें, असेंबलिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, चाहे पहले ये सॉस लगाना चाहें या फिर सैलड लीव लगाना चाहें। मैंने सबसे पहले मेयोनीज़ लगाई है, फिर पीस रखा है चिकन का, फिर सॉस लगाया और फिर ये सैलड लीव रखा है और उसके बाद इसको दूसरे बन से कवर कर दिया है। ये देखें कितना क्रिस्पी और क्रंची बिल्कुल KFC स्टाइल बर्गर बना है और ये खाने में भी इतना ही टेस्टी है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये मज़ेदार सी रेसिपी बना के इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।